गाइस अगर आप कैपकट टेप के टेम्पलेट को यूज करके अपना वीडियोज बनाना चाहते हो बट नहीं बना पा रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कैप टेम्पलेट ऐप लेकर आया हूं जिसमें आपको कैपकट एप्लीकेशन के हर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप कैपकट टेप के सभी टेम्पलेट को इस एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकते हो और आप अपने वीडियोज को टेम्पलेट पे वन क्लिक में बना सकते हो। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कैप टेम्पलेट और आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहां से बैक आना है और आपको कैपकट एप्लीकेशन को एक वीपीएन से कनेक्ट कर लेना है। अगर आप कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो कैपकट एप्लीकेशन को वीपीएन से कनेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली इस कैप टेम्पलेट एप्लीकेशन को ओपन करना है और जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड आपको कैटेगरी मिल जाता है और यहाँ पे ये होम कैटेगरी में सिलेक्ट है। इसके जस्ट बाद आपको पॉपुलर का कैटेगरी मिल जाता है, तो इसमें आपको वह टेम्पलेट देखने को मिलेगा जो अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे। और इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पोस्ट का कैटेगरी मिल जाता है, तो इसमें आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स के जो भी टेम्पलेट है वे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टिकटॉक ट्रेंडिंग का कैटेगरी मिल जाता है और भी यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप प्लेट को यूज करना चाहते हो आप उसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे टेम्पलेट शो हो रहा है इस कैटेगरी में। अब यहाँ पे मैं ऊपर की साइड यहाँ पे स्क्रॉल करता जाऊंगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे टेम्पलेट शो हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे उसमें आपको यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको किसी कैटेगरी के दो तीन टेम्पलेट अच्छा लगता है और उसे आप बाद में यूज करके अपने वीडियोज को बनाना चाहते हो तो सिंपली आप हार्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उस पर हार्ट दे सकते हो यानी लाइक कर सकते हो और ऊपर की साइड यहाँ पे साइड में आपको हार्ट का ऑप्शन मिल जाता है तो इस पे क्लिक करके आप इस टेम्पलेट को बाद में भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ से टेम्पलेट को यूज करके आपको यहाँ पे लाइव वीडियोज बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस भी टेम्पलेट पे वीडियोज बनाना है सिंपली आपको उस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और जैसे आप उस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आपके सामने वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो करेगा ओपन टेम्पलेट का। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट करना है और जैसे आप यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट करोगे यह जो टेम्पलेट है वे रिडायरेक्ट होकर ओपन हो जाएगा कैपकट एप्लीकेशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे यह टेम्पलेट कैपकट एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। तो इसी प्रकार से आपके मोबाइल फोन में भी यह टेम्पलेट कैपकट एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट होकर ओपन हो जाएगा और आपके सामने एक ऑप्शन शो करेगा यूज टेम्पलेट का। सिंपली आपको यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है और जैसे आप यूज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा और जिस टेम्पलेट को आप यूज कर रहे हो उस टेम्पलेट में आपको कितने क्लिप्स एड करने हैं वे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जिस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस टेम्पलेट में मुझे एक क्लिप्स एड करने हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस जैसे आप टेम्पलेट के क्लिप्स में फोटोज को ऐड कर लेते हो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। सिंपली आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपका जो फोटो है वे इस टेम्पलेट में ऐड हो जाता है और आपका यहाँ पे वीडियो बन जाता है। अब आपके सामने नीचे की तरफ यहाँ पे तीन ऑप्शन शो करता है, एक यहाँ पे जो होम का इसमें सिलेक्ट रहता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो का, तो इस पे क्लिक करके आप इसमें के ऑडियो को चेंज कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टेस्ट का, तो आपके टेम्पलेट में जो भी यहाँ पे टेस्ट टाइप है अगर आप उसमें एडजस्टमेंट करना चाहते हो यानी चेंज करना चाहते हो तो आप टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ से टेस्ट को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने होम में इसे सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे इस टेम्पलेट में मैंने जिस फोटोज को ऐड किया है अगर मैं इस फोटो को चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस फोटो पे क्लिक करूंगा और हमारे सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है, एक रिप्लेस का, दूसरा क्रॉप का और तीसरा फोटो एडिटिंग का। तो रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस फोटोज को चेंज कर सकता हूँ यानी इसके जगह पे दूसरे फोटोज को ऐड कर सकता हूँ और क्रॉप पे क्लिक करके मैं इस फोटोज को अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकता हूँ और फोटो एडिटिंग पे क्लिक करके मैं इस फोटोज को एडिट कर सकता हूँ यानी इस फोटोज में मैं यहाँ पे फिल्टर ऐड कर सकता हूँ, इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ, तो मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे वीडियोज को बना लेने के बाद आपको सिंपली ऊपर की साइड एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्वालिटी को सिलेक्ट करके डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक करोगे आपका वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा विदाउट वाटरमार्क के। तो गाइस इस प्रकार से आप कैपकट एप्लीकेशन के सभी टेम्पलेट को यूज कर सकते हो इस कैप टेम्पलेट एप्लीकेशन की मदद से और इस एप्लीकेशन में आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली किसी भी टेम्पलेट को सर्च भी कर सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से आपको इस एप्लीकेशन में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग टेम्पलेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।